क्या अधिकार वापस करो, क्या अधिकार हम वापस मांग रहे हैं। 40 लाख लोहार आपको वोट करके फिर से गद्दी पर बैठाएंगे, बिहार ही नहीं केंद्र में भी हम सरकार बनाएंगे। अभी हम है वही पताही हवाई अड्डा पे जहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब क्या है, यहाँ देख सकते हैं कि बिहार के पावन धरती पर भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री अमित शाह जी के संबंध में नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। क्या अधिकार वापस करो, क्या अधिकार हम वापस मांग रहे हैं। देखिए, हम बिहार के लोहार समाज हैं। अच्छा। और हम 1950 से जो अनुसूचित जनजाति का जो गजट है, अच्छा, जो राजपत्र है, हम संवैधानिक रूप से 1950 से ही अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। अच्छा। और उसका दर्जनों एविडेंस है। उसके बावजूद भी पूर्ववर्ती सरकार जो कांग्रेस की थी, अब बिहार में जो आरजेडी की सरकार थी, उसका मंसूबा हम लोगों के प्रति साफ नहीं था। और माननीय लालू प्रसाद जी, जो आरजेडी की सरकार है बिहार में, लोहार के आगे पाई खींचकर लोहारा बना करके हमको वर्षों से हमारा संवैधानिक हक से वंचित किए हुए हैं। इसीलिए पूरे बिहार के 40 लोग लोहार हर जिला से मोर्चा खोल खोल के सड़क से लेकर सदन तक अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए आंदोलन कर रहा है, मांग कर रहा है संवैधानिक रूप से। आज मुजफ्फरपुर जिला के पताही हवाई अड्डा में देश के गृह मंत्री, चूँकि हम लोग हर घर में एक गार्जियन होता है, मालिक होता है, उस तरह से देश के गृह मंत्री हमारे गार्जियन हैं। माननीय गृह मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि हमारा लोहार का बिहार का जो जातीय जो आप अपने अधिकार के मांग करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपना गृह मंत्री जी सुनेंगे आपकी बात। आप सुनेंगे आपके माध्यम से। हम गृह मंत्री जी नहीं, बिहार के तमाम बड़े नेता सभी दलों से हम आग्रह करते हैं कि हमारा जो खोया हुआ हक है, जो 1950 का अधिकार है अनुसूचित जनजाति का, नीतीश कुमार जी से क्या मांगिएगा तेजस्वी जी? नीतीश जी से वही कहेंगे कि आप जो कल बल छल की जो राजनीति करते हैं, जो अपने अधिकार और कर्तव्य का जो आप दुरुपयोग कर रहे हैं, हम बिहार के लोहार अगर जो 2024 और 25 का जो चुनाव है उससे पहले कोई भी दल, जो दल हमारा काम करेगा, अधिकार दिलाएगा, हम उसके साथ हैं। इसलिए हम माननीय गृह मंत्री जी से भी कहने आए हैं कि आपके ये अधिकार क्षेत्र का चीज़ है और वर्षों से लोहार संवैधानिक रूप से अनुसूचित जनजाति है और यह मुख्यधारा से वंचित है, आप उसके अधिकार को देने दिलाने का काम करिए। हम 40 लाख लोहार आपको वोट करके फिर से गद्दी पर बैठाएंगे, बिहार ही नहीं केंद्र में भी हम सरकार बनाएंगे। जिंदाबाद मिला है। और 1950 से ही हमारा 1976 के गजट में जो हिंदी में संशोधन हुआ, उस गजट में भी लोहार को हिंदी में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त था, लेकिन कुछ राजनीतिक पखवाड़े के चलते हमारे अधिकार को छीना गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 48/2006 रिपलिंग बिल लाए और रिपलिंग बिल लाकर उसको निरस्त करके हमारे संवैधानिक अधिकार को दिया, लेकिन कुछ लोग जो हैं इनको राजनीतिक मुद्दा बनाकर हमारी मांग को डिस्टर्ब किए। हमारा 1950 से ही अधिकार मिल रहा है। 1931 में जब प्रथम बार जाति गणना हुआ था, उसमें HR रिसले का पुस्तक है जो अभी भी संवैधानिक रूप से प्रस्तुत है, उस रिसले के गजट में भी लोहार अनुसूचित जनजाति था, आज भी अनुसूचित जनजाति। आप लोग समर्थन कर रहे हैं गृह मंत्री जी को कि विरोध में आया कि अपना समर्थन अपना मांग कर रहे हैं? चूंकि हमारा कोई संवैधानिक मांग कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं। आज सब दिन से हम लोग भी भाजपा का अनुसूचित जनजाति मोर्चा का पूर्व में जिला अध्यक्ष थे, दरभंगा जिला के लोहार कल्याण समिति के भी अध्यक्ष हैं। उसने अपने जात के लोग, 40 लाख जात का जो लोहार जाति का लोग है, हम कह रहे हैं माननीय मंत्री जी से कि हमारी मांग को रखे, हमारी मांग को पूरा करवाए, हमारा जो अधिकार है वंचित। यहाँ तो कम संख्या में आप लोग आए हुए? नहीं नहीं, हम लोग सब जगह आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे जो आ रहे हैं और भी आगे भी निकला है और जो भी लोग पीछे से आ रहे हैं हमारे पीछे से, और हम ये अपना बात को रखे हैं। पार्लियामेंट में भी हम लोग 12 बार आवाज उठा चुके हैं, इस माननीय रमा देवी, रामकृपाल यादव, ऐसे ऐसे हमारे जो भाजपा समर्थित लोग हैं पार्लियामेंट में। रामकृपाल यादव जी क्या कहे? रामकृपाल यादव जी भी ने अपने संवैधानिक रूप तरह से इस मांग को रखे हैं पार्लियामेंट में और आगे भी बोले हैं कि भाई हम आपका काम को करवाएंगे। इस चीज को हम संज्ञान में ले लेने के लिए, माने आज 40 लाख
का लोहार भारत बिहार का जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में हमेशा रहे हैं, नरेंद्र मोदी का अनुयायी में रहे हैं। हम लोग मांग करते हैं कि हमारा जो अधिकार, जो खोया हुआ अधिकार है, उसको प्राप्त करावे और हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। चलिए, तो आपने देख लिया, फिलहाल इतना ही, और अगले खबर में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।